अन्नपूर्णा बासमती हाउस की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नवंबर को होगा सितारगंज में भूतपूर्व सैनिक सम्मान समारोह। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। वार्ता में आगामी 9 नवंबर को होने वाले राज्य के स्थापना दिवस पर भूतपूर्व सैनिक और राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही प्रेस वार्ता में राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने बताया कि आने वाले 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सितारगंज के रामलीला मैदान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और पूर्व सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं फकीर सिंह कन्याल ने क्षेत्र की जनता से ज्यादा कार्यक्रम में पहुँचने की अपील की है। नवभारत समाचार सितारगंज से रमेश यादव की रिपोर्ट। जैसे 2000 में बना था 9 नवंबर को, हमारे पूरे उत्तराखंड के लोग इसको अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि जन्म हुआ एक नए प्रदेश का। जो प्रदेश बना है या ऐसे किसी ने दहेज में दान में नहीं दिया है। हमारे उत्तराखंड को बनाने के लिए हमारे युवाओं को लाठी खानी पड़ी, मातृशक्ति को डंडे खाने पड़े, हमारे युवाओं को जेल जाना पड़ा। जो हमने संघर्ष किया उसका एक रिजल्ट निकला कि सन 2009 नवंबर को नए उत्तराखंड की स्थापना हुई और हम उस दिन स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी उस दिन हमारे मुख्य अतिथि हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जब पूर्व स्पीकर और विधायक इस समय जागुसर हैं, वो उस समय हमारे यहाँ अध्यक्षता करेंगे। सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारी को सम्मानित करा जाएगा तथा भूतपूर्व सैनिक जितने भी मेरे क्षेत्र में आते हैं सभी को सम्मानित करेंगे। उस सम्मान को देने के लिए मैं सभी क्षेत्र की जनसंख्या, अपने जनता व अपने पत्रकार युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से जनसंख्या में आएं और वो लोग लुत्फ़ उठाएं उस बड़े कार्यक्रम का, जिसमें माया उपाध्याय जी हमारे बीच में आएंगी। एक पंजाबी सिंगर हैं, एक हमारे बंगाली सिंगर हैं। स्कूलों के बड़े बड़े झांकियां व प्रोग्राम हैं, उसमें सभी जो कार्यक्रम करे जाएंगे उन लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। मेरा सबसे अनुरोध है कि 9 तारीख को अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर उस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं।